नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत से कॉल आए कि जिसमें मुझे रिक्वेस्ट की गई कि मैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग के डाउट्स को क्लियर करूं और बताऊं कि इसका मेन फंक्शन है क्या। और मैं इस पर्पसफुली इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूं ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक जाए, जाना भी चाहिए क्योंकि हमारी मैक्सिमम जनरेशन जो हिंदी समझती है, हमारी मातृभाषा है और हम उसको यूज़ करते हुए, हम उसको समझते हुए हम अर्थिंग और ग्राउंडिंग के जो डाउट्स हैं, मिथ है, उससे छुटकारा पा पाएँ। ये मेरा एम है इस वीडियो का। और बात करता हूँ, सबसे पहले तो मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में कोई फ़र्क नहीं होता। और जो ऑलरेडी IS 3043, IS 732 या आपका CVIP मैनुअल 339 को भी आप रेफ़र करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीनों बाइबल हैं। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं, आप CA सेफ्टी रेगुलेशन 2010 का भी रेफरेंस ले सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग हमें चाहिए क्यों। अर्थिंग और ग्राउंडिंग की बात करें तो इसमें बेसिकली तीन मेजर पार्ट्स रहते हैं। एक आप मेजर चार भी कह सकते हैं आप। एक आपका सिस्टम या न्यूट्रल ग्राउंडिंग रहता है, एक आपका इक्विपमेंट ग्राउंडिंग रहता है, एक आपका लाइटनिंग सिस्टम ग्राउंडिंग रहता है और एक फंक्शनल ग्राउंडिंग रहता है। ओके, जब हम बात करते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग में, तो जब हम न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं, दोनों को ग्राउंड करने का पर्पस है, न्यूट्रल और ग्राउंडिंग का पोटेंशियल डिफरेंस हमने हटा दिया, ज़ीरो कर दिया। जब वो ज़ीरो हो गया तो उसका बेनिफिट ये है कि जब हमारा फेस टू अर्थ वोल्टेज हमारी लिमिट कर दी हमने, मतलब हमारी जो फेस वोल्टेज है वो फेस टू अर्थ वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगी। अब उसका बेनिफिट यह है कि आपको जो इन्फ्लेशन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। आप इसका फाइनेंशियली इकोनॉमिकल बात करें तो आपका इन्फ्लेशन रिक्वायरमेंट जब आप सिस्टम को न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी आपका न्यूट्रल ट्रांसफार्मर न्यूट्रल लूज रहता है या नहीं होता, तो कई बार आपने देखा कि आपके गैजेट्स, आपके सारे इक्विपमेंट्स घर में जल जाते हैं। उसका रीज़न है आर्किंग ग्राउंड। आर्किंग ग्राउंड वो फिनोमिना है जब आपका हेल्थी फेस की वोल्टेज ड्यूरिंग SLG सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट राइज करती है, दैट इज़ कॉल्ड टेम्पेरी ओवर वोल्टेज। और ये सब चीज़ें भी आप अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग, सिस्टम अर्थिंग से हटा सकते हैं। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही समझने की चीज़ है बेसिकली, कि जब आप ग्राउंडिंग सिस्टम्स या अर्थिंग लगाते हैं तो आप सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए सेंसिटिव प्रोटेक्टिव रिले भी लगा सकते हैं, SPR, सेंसिटिव प्रोटेक्टिव रिले, प्रोटेक्टिव SPD भी कहते हैं, सेंसिटिव प्रोटेक्टिव डिवाइस भी लगा सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपका न्यूट्रल, आपका सिस्टम ग्राउंड है। अब इक्विपमेंट ग्राउंड की अगर बात करें तो जब हम इक्विपमेंट या आपके मशीनरी ग्राउंडिंग की बात करते हैं, तो उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है, जब आप प्रॉपर अर्थिंग करते हैं तो जब करंट स्टार्ट फ्लो, करंट फ्लो करता है आपके फ्रेम से या उस बॉडी से, अगर उसका हाई रेसिस्टेंस है तो डेफिनेटली आपका वोल्टेज ज़्यादा होगी। जब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो अर्थ सरफेस पोटेंशियल बढ़ेगा, और अर्थ सरफेस पोटेंशियल बढ़ेगा तो डेंजर जो रहेगा टच और स्टेप पोटेंशियल का, वो भी पोटेंशियल डेफिनेटली आपको हार्म कर सकता है। नेक्स्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर, जब भी आपका रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो आपका टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज होगा तो एक्सप्लोजन ऑफ आर्क और स्पार्क हो सकता है, और जो फाइनली इनिशिएट कर सकता है फायर को। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, प्रिजर्वेशन ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस। जो टोटल इम्पीडेंस आप क्रिएट करते हैं अर्थिंग के थ्रू, वो रोल प्ले करता है आपकी प्रोटेक्टिव रिले की परफॉर्मेंस के अंदर। कितना इफेक्टिवली आपकी प्रोटेक्टिव रिले, जिसमें आपने हजारों लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड किए सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस अर्थिंग की हेल्थीनेस पे डिपेंड करती है।
उसकी अर्थिंग की सेंसिटिविटी, अर्थिंग कितना सेंसिबल बनाएगा आपके सिस्टम को ताकि वो जल्दी से जल्दी आपको आइसोलेट करा पाए। Part 3, लाइटनिंग। आप लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए भी अपना सिस्टम में कुछ प्रोविजंस देते हैं, SPD और आप डाउन कंडक्टर और फ्रैंकलिंग रॉड आप लगाते हैं। वो जब कनेक्ट होता है तो आपको उसके लिए अर्थिंग डेडिकेटेड इलेक्ट्रोड लगाने पड़ते हैं। वो एक फंक्शन भी रहता है और वो बहुत ज़रूरी भी है। इन सब के अतिरिक्त लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जिसमें नॉइस, नॉइस बेसिकली नॉइस क्या होता है, जब आप सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं, फ्लो होते हैं, तो उसमें जो डिस्टरबेंस होती है उसे नॉइस कहते हैं। उस नॉइस को अवॉइड करने के लिए आपको फंक्शनल अर्थिंग की भी ज़रूरत रहती है, जिसे बहुत अच्छा डिस्क्राइब IEEE 1100 में किया गया है। आई होप कि आप अब सब लोग अर्थिंग या ग्राउंडिंग के विषय में समझ चुके हैं।